Hello, welcome. This is One India News. I am Akash. BJP MP Ramesh Bhaduri has stirred a fresh controversy as he has abused Delhi CM Arvind Kejriwal. The incident occurred in Okhla district of the national capital, where Bhaduri and his supporters took out a rally against Kejriwal. In the video that has gone viral on social media, the BJP MP is seen using abusive language for the Delhi CM and also encouraged the crowd to abuse him. जिसको राइट टू रिकॉल कहते हैं कि मतदाता के पास दोबारा चुनने का अधिकार होना चाहिए, अपने प्रधान को, अपने पार्षद को, अपने एमएलए को, अपने एमपी को। हम पांच साल तक क्यों खेले, ये कौन कहता था? कौन कहता था? तुम्हारा भला हो जाए। कौन कहता था? कहता था जो अपनी जबान का पक्का ना हो, जो अपनी जबान रोज रोज बदले, उसको क्या कहते हैं लोग? उसको क्या कहते हैं? कहते हैं उसको, इसकी जबान ही नहीं। ये बोलते नहीं बोलते हैं, ये बोला था केजरीवाल ने। अब केजरीवाल ने ही कहा मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। आसिम, ये किसने कहा था? केजरीवाल ने कहा था वो भ्रष्ट है। मैं उसको बदल रहा हूँ। जब तुम उसको बदल रहे हो तो उस अपने फूफा को पार्टी में क्यों रखे हुए? कांग्रेस भ्रष्ट है, तूने कहा था कांग्रेस भ्रष्ट है। मेरे दो बच्चों की कसम मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, ये किसने कहा था? ने कहा था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का समर्थन लिया नहीं लिया? लिया ना लिया, तो जिस कांग्रेस का समर्थन लिया उसकी ही चेयरपर्सन शिकायत कर रही है और कहता है मोदी जी मेरा नाम एफआईआर में डलवा रहे हैं। अब जिन तो जुटुमर कांग्रेसी जो मामा फूफी के थे, जो तू अपने बच्चों की कसम खा के भी समर्थन ले रहा था, तो दो जगह गड़बड़े। या तो कांग्रेस से तेरे रिलेशन मामा फूफी के हैं, और या तेरी औलाद जिसकी तू कसम खा रहा था वो तेरी, वो तूने देखना होगा, तेरी बीवी ने देखना होगा। तू उनकी झूठी कसम क्यों खा रहा है? कहीं पड़ोसियों की तो गलती नहीं है वो, ये तूने देखना होगा। तो जो अपने बच्चों की भी कसम खाता है और बच्चों की कसम खाने के बाद भी समर्थन लेता है, वो आदमी विश्वास के लायक है क्या? Well, that's all for now, but for more news and updates, subscribe to our YouTube channel and please don't forget to like and share this video.